राम गोपाल पर फिर हमलावर हुए शिवपाल। प्रोफेसर को बताया परिवार में लड़ाई की जड़। मुलायम के समधी भी आए विरोध में। मैनपुरी से मुलायम सिंह यादव को टिकट दिए जाने का झगड़ा अब काफी आगे निकल चुका है और इसका सारा ठीकरा प्रोफेसर राम गोपाल वर्मा के सर फूट रहा है। शिवपाल सिंह और सपा से बागी हो चुके विधायक और मुलायम सिंह यादव के समधी हरिओम यादव खुलकर राम गोपाल वर्मा की आलोचना कर रहे हैं। सपा कार्यकर्ताओं ने जिस तरह राम गोपाल वर्मा का पुतला जलाया, तो इस पर शिवपाल ने कहा कि प्रोफेसर के लिए पूरे प्रदेश में नाराजगी है। देखा पूरे प्रदेश में विरोध प्रोफेसर का ही है और प्रोफेसर की वजह से ही समाजवादी पार्टी कमजोर हुई है और हम लोगों में विघटन हुआ है। हरिओम यादव प्रोफेसर राम गोपाल वर्मा पर अपनी प्रतिक्रिया में और भी आक्रामक नजर आए। प्रोफेसर राम गोपाल के क्रियाकलापों से इतना आक्रोश है कि इन्होंने पूरी पार्टी प्रदेश की खत्म कर दी और मैनपुरी और इटावा के नौजवान इस समय नाराज इसलिए हैं कि नेताजी का मन था फरीदाबाद से चुनाव लड़ने का। यहाँ की जनता ने नेताजी से मांग थी, नेताजी ने पूरा मन बना लिया था कि हम फरीदाबाद से लोकसभा का चुनाव लड़ें, लेकिन प्रोफेसर ने अपने लड़के की खातिर, अपने लड़के को बचाने के लिए और नेताजी को फरीदाबाद से चुनाव नहीं लड़ने दिया और नेताजी की घोषणा मैनपुरी से करा दी। वहीं शिवपाल से जब मुलायम सिंह यादव के मैनपुरी से चुनाव लड़ने पर सवाल किया गया तो वो अपना बचाव ही करते नजर आए और बोले, हम तो वहाँ नेताजी का समर्थन करेंगे। हमारा तो पूरा समर्थन है, हम वहाँ पर अपना पार्टी का प्रत्याशी नहीं लड़ा रहे, नेताजी को वहाँ से हम समर्थन भी दिया है, जिताएंगे भी। हमारा जो विधानसभा क्षेत्र है, पहले नेताजी का वो विधानसभा क्षेत्र रहा, अब हम 5 बार लगातार वहाँ से विधायक हैं, तो हम नेताजी को वहाँ से मैनपुरी से जिताएंगे। शिवपाल सिंह मैदान में उतरे थे सपा को मजा चखाने के लिए, मगर मौजूदा हालात में जब गठबंधन का दौर चला तो ना तो सपा बसपा और ना ही कांग्रेस ने उन्हें तवज्जो दी, जबकि खुद शिवपाल कई बार खुलेआम कह चुके हैं कि उनकी पार्टी को भी गठबंधन में जगह दी जाए, मगर उन पर तो भाजपा को मजबूत करने के इल्जाम लगने लगे। देखिए, मैंने पहले ही कहा कि गठबंधन में मुझे शामिल करो, हमसे बात होना चाहिए था, तो हम तो बहुत ज़्यादा सीटें मांग नहीं रहे, हम तो कुछ ही सीटें मांग रहे, तो हमें दे देना चाहिए था। कांग्रेस से भी हम कह रहे हैं, अगर ये जो गठबंधन हमसे नहीं कर रहे हैं तो बीजेपी को लाभ पहुंचाने का काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के पारिवारिक झगड़े ने ऐसा रंग ले लिया है कि चाचा भतीजे के खिलाफ, भाई भाई के खिलाफ और कभी कभी तो पिता पुत्र के खिलाफ नजर आए और खूब जुबानी जंग भी हुई। अब हालत यह है कि मुलायम के समधी ही परिवार के सदस्यों को चुनाव में हराने की बात कर रहे हैं। फरीदाबाद की जनता के साथ प्रोफेसर ने जो अन्याय किया, जो नेताजी को चुनाव नहीं लड़ने दिया यहाँ से, इसका सबक जनता अब चुनाव पे आने कर इस सांसद अच्छा की जमानत जब्त करा करके लेगी। एक तरफ चुनाव घोषित हो चुके हैं और दूसरी तरफ सपा का घरेलू घमासान। इसका सबसे ज्यादा असर अगर किसी को पड़ता है तो वो है अखिलेश यादव, जो बसपा के साथ मिलकर लोकसभा मैदान में उतरे हैं।